वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले कि शॉपसी एप्लीकेशन में ऑर्डर करने के बाद एड्रेस चेंज क्यों नहीं होता। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो कृपया आप इस वीडियो के एंड जरूर देखें बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉपसी एप्लीकेशन में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं चलूँगा कहाँ पर ऑर्डर वाला ऑप्शन, जो मैं ऑर्डर किया हूँ आपको दिखा दूँ, मैं उस वाला ऑप्शन में मैं अभी जाऊँगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा आप वेट करिएगा। जैसे कि मैं यह वाला ऑप्शन आ गया हूँ, जैसे मैं ये ऑर्डर किया हूँ अभी, इस ब्लाउज में क्लिक करूँगा। क्लिक कर देख सकते कि मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा। नीचे आने पर मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एड्रेस और एड नंबर, पर चेंज चेंज और एड नंबर, मतलब हम यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा है चेंज एड्रेस, जो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज करने मुझे इस बार ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करूँ आप देख सकते नीचे का ऑप्शन लिखा है एड न्यू एड्रेस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आपका सारे इंटरफेस खुल के आ जाएगा, सारे आप जो नया एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं आपको एक बार बता दूँ, ये जैसे ही आप नया एड्रेस ऐड करेंगे, तो आपको अभी एड्रेस ऐड करते हैं तो अभी अभी आपके फ़ोन पर जो है मतलब एड्रेस चेंज नहीं होता। आपको 2 मिनट 5 मिनट रुकना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही इसके पास वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे तो ये जो है कंपनी वाले ये इस एड्रेस को डिलीट करके ये एड्रेस जो है टैपिंग करेगा और आपका पहले वाला एड्रेस हटा देगा। तो इसको भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको बोला जाएगा कि 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट बाद जो है आपका जो है थोड़ा वेटिंग में आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कम से कम 4-5 मिनट रुकना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूँ, पिछली बार भी मैंने एड्रेस चेंज किया था। देखिए मैंने अभी न्यू यहाँ पर एड्रेस पहले भी मैंने चेंज किया था, आप देख सकते हैं। और मेरा अभी एड्रेस किस पे देख सकते हैं, मेरा एड्रेस जो है ये ए वाला एड्रेस मुझे अभी आने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट अब मैं पहले एक बार और चेंज किया था, तो जैसे नया एड्रेस मैंने ऐड किया था। ठीक है, ये वाला एड्रेस पे तो मैं नया एड्रेस पहले से ऐड कर रखा, तो मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप जो है ये एड्रेस यहाँ पर न्यू एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, इस ऑप्शन पे सबमिट करूँगा, हमारे पास वेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मैं 2-4 मिनट वेटिंग करूँगा, पहले वेटिंग करूँगा तो ही इसके पास SMS आएगा कि आपको SMS द्वारा स्विच कर दिया जाएगा कि आपका जो है एड्रेस चेंज हो चुका है। तो आप घबराइएगा मत, 2-4 मिनट वेट करिएगा, आपके फ़ोन पर एक कंपनी वाला SMS भेजेगा, फिर आप अपना चेक कर लीजिएगा आपका यही एड्रेस सही है नहीं, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके मैं, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर जो बताएगा। एंड आपको कोई भी समस्या तो मुझे कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में आपको आगे भी ऐसी ऐसी जानकारी देने को मिले, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मिलता है बंद।